इंडेक्स पूरा बुलिश हो चुका है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का दोनों ऊपर है और अप्रॉक्स 1.5% से भी ज़्यादा मूव दिया है। और निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ट्रेडलाइन को ब्रेक करके अच्छा खासा रैली में गया और ये जो हाई बना हुआ है निफ्टी का, उस हाई के पास निफ्टी पहुँच के कंसोलिडेट कर रहा है। जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो निफ्टी पूरा बुलिश हो जाएगा, मीन्स निफ्टी में नेगेटिव होने का चांसेस बहुत कम जाएगा और निफ्टी वहाँ से इंक्रीज़ होने लगेगा, मीन्स और बढ़ेगा। तो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल साइडवेज मार्केट हो सकता है, ट्रेंड नेगेटिव होने का चांसेस बहुत कम है। तो अपने पास सारा बुलिश स्टॉक्स है जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहले नंबर पर है आरती ड्रग्स, एंड आरती ड्रग्स को अगर देखेंगे तो ये कुछ दिन से ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था और यहाँ पे ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद उसी हाई के पास पहुँच गया जहाँ पे ये प्रीवियस हाई से रिजेक्ट होकर नीचे गिरा था। तो 542.35 के ऊपर जैसे ही जाएगा हम लोगों को बाई करना, मीन्स इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा कैंडल, इसके ऊपर बनने लगेगा तो हम लोग बाई कर लेंगे। अपना स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा 529 का और जो टारगेट है वो रहेगा 584 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है हम लोग को 1 से 2 दिन के अंदर में। सेकंड नंबर पे है डी मार्ट, एंड डी मार्ट को देखेंगे तो ये भी एक ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ गिर जा रहा था, इस बार यहाँ पे ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है तो अभी इसमें ट्रेड नहीं लेना, ये कंसोलिडेट करे या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तब आपको बाई करना है, मीन्स ये थोड़ा कंसोलिडेट करे या फिर ये कल ऐसे ही एक बुलिश मूव दे सकता है क्योंकि यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई है। इस हाई के ऊपर अगर कैंडल बन जाता है तो ये एक सपोर्ट का जैसा काम करने लगेगा, तो यहाँ पे हो सके हम लोग को चांसेस ना मिले कंसोलिडेशन देखने का और मार्केट डायरेक्ट ऊपर चले जाए। तो 4818 अभी करेंट प्राइस है, इसी प्राइस पर हम लोग बाई कर सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 4654 का। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस बड़ा है बट जैसे ही ये इस कैंडल्स के जो प्रीवियस हाई है, इस हाई के ऊपर जैसे यानी कि 4850 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अपना स्टॉप लॉस को हम लोग इस लो पे मॉडिफाइड कर सकते हैं, यानी कि 4762 के पास में हम लोग अपना स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं, मीन्स मॉडिफाइड कर देंगे, यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब ट्रेड लेंगे तब तक के लिए स्टॉप लॉस हम लोगों का बड़ा रहेगा। टारगेट रहेगा 5175 का अपना टारगेट रहेगा। थर्ड नंबर पे है दल भारत, एंड दल भारत को अगर आप देखेंगे तो ये भी एक ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल्स इस ट्रेड लाइन के ऊपर बनने लगा, तो जैसे ही ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, यानी कि 1918 का एंट्री पॉइंट होगा, मीन्स इसके ऊपर कैंडल बनने लगे तो हम लोग बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1838 का और फर्स्ट टारगेट रहेगा 1838 का स्टॉप लॉस पॉइंट है, एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा 2037 का एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2183। तो सेकंड टारगेट 2 से 3 दिन टाइम लग सकता है वहाँ तक जाने में। एंड फोर्थ नंबर पे अगर देखेंगे तो ये स्टॉक्स में देरी हो सकता है, मीन्स ये जरूरी नहीं कि कल के लिए 3 स्टॉक है जिसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, मीन्स ट्रेड एक्टिव मूवमेंट पे है, ये कल एक्टिव हो सकता है। बट बाकी अभी हम लोग जिस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे ये सारा कंसोलिडेशन रेंज में, मीन्स ये पोजिशनल ट्रेड एंट्री भी इसमें हम लोग ले सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म पे अगर सोच रहे हैं 6 महीना 2 महीना के लिए तब। तो मैरिको को अगर देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन रेंज में, जिस भी दिन मैरिको इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट देगा एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, 571 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड नंबर पे है राडिको, एंड राडिको खेतान को देखेंगे तो ये कंस्टेंट इस सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जा रहा है, तो ये एक ब्रेकआउट जोन के पास में अगर जैसे ही ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करें हम लोग बाइक करेंगे 1380 तक का टारगेट देखने को मिलेगा इसमें, मीन्स इसमें हम लोग पोजिशनल एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1049 का। एंड उसके बाद अगर देखेंगे अदानी इंटरप्राइज में, ये सब हम स्टॉक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी निफ्टी पॉजिटिव हो रहा है,
तो जो स्टॉक्स नीचे गिरा हुआ था वो स्टॉक्स अब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होगा, तो इसमें हम लोग मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मीन्स अपना पैसा लगा सकते हैं 2 महीना 1 महीना 3 महीना का होल्डिंग पे। तो अदानी एंटरप्राइज को देखेंगे तो ये भी एक सपोर्ट जोन बना चुका है, जहाँ से ये बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जा रहा है, तो ये एक ट्रेड लाइन के पास में है। जैसे ही ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगा हम लोग बाई कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 2004 का एंड स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा 1700, जो कि स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ पे होना चाहिए 1652 का। बट अगर इंट्राडे इसमें कर रहे हैं तो इंट्राडे हम लोग 2 टारगेट ले सकते हैं कल के लिए, 1726 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1765 का एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 1840। और ये जो 2000 तक का टारगेट है ये आपका पोजिशनल ट्रेड टारगेट है, 2 महीना 3 महीना लग सकता है यहाँ तक जाने में। एंड इसके बाद ये थोड़ा हम इसको ठीक, हाँ अब ठीक है। एंड इसके बाद आता है अपना बजाज फिनसर्व, एंड बजाज फिनसर्व को भी देखेंगे तो ये भी एक ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये सपोर्ट जोन से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जा रहा है, तो ये भी एक सपोर्ट जोन बना चुका है। इसमें भी हम लोग एक अच्छा एंट्री ले सकते हैं 6 महीना को होल्डिंग के लिए चाहे तो। 19081 तक का टारगेट इसमें देखने को मिलेगा हम लोगों को। ये ट्रेड लाइन जब ब्रेकआउट दे तो हम लोगों को बाई करना है। अपना स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा 17416, जो कि स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, बट हम लोग थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा ले रहे हैं, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे तो अपना स्टॉप लॉस ये सपोर्ट जोन के पास में आएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स था जिसमें हम लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसमें कुछ क्वांटिटी इन्वेस्ट करके 2 महीना 3 महीना के लिए होल्डिंग पे रख भी सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लोगों के संग शेयर ज़रूर से कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। एंड ओवर ट्रेडिंग स्किप कीजिएगा, सारा स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना, जिसमें ब्रेकआउट है उसी में ट्रेड लीजिए। ओवर ट्रेडिंग स्किप कीजिए, क्वांटिटी उतना ही लीजिए जितना आपको लॉस होने से फ़र्क ना पड़े। ये नहीं कि एक्सेस क्वांटिटी ले लें, क्वांटिटी हमेशा कम लेने की कोशिश की ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो तो आपके पॉकेट में नुकसान ना पहुंचे उससे। थैंक यू।